हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन की यूनिक रेसिपी। यकीन मानिए, आपने ये रेसिपी ना कभी खाई होगी ना कभी देखी होगी। इस समय गर्मियां इतनी तेजी से पड़ रही है, ऐसे मन करता है कुछ हल्का फुल्का और ठंडा खाने का। ये नाश्ता बहुत ज्यादा हल्का फुल्का होने के साथ साथ ठंडा भी है, और इसे हम तैयार करने वाले हैं बेसन से। और जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वो हर किचन में आसानी से मिल जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बेसन। नाप में मैं बताऊं तो एक बड़ी कप है, या कटोरी आप जिससे भी नाप ले ले उसी से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने बेसन इस्तेमाल किया है वो महीन वाला इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास महीन वाला बेसन ना हो तो आप मोटा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय गर्मियां चल रही हैं और इस समय बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में बेसन को इस्तेमाल करने से पहले आपको छानना जरूरी है। तो इस तरह से हमने बेसन डाल दिया है, अब इसको हम फटाफट छानेंगे। तो चलिए छानते हैं। तो इस तरह से बेसन को छानने से बेसन लम्स फ्री हो जाता है और बिल्कुल स्मूथ सा आपका बेसन हो जाता है। तो आप कोई भी चीज बनाएंगे तो उसका जो टेक्स्चर होता है बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए फटाफट छान लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने बेसन छान लिया है। जो मोटा मोटा बेसन बचा है इसको हम हटा देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा बेसन छन चुका है, कितना स्मूथ हो चुका है। अब हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ज्यादा नमक नहीं ऐड करना है, सिर्फ हाफ टी स्पून तक हमने नमक ऐड किया है, और हाफ टी स्पून तक हम इसमें हल्दी डालेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तक ऑयल, जो हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे हाथ से ही फेंटेंगे। तो ये काम आपको हाथ से करना है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो लमसम हमारा 1 गिलास पानी में थोड़ा सा पानी बच गया है, और इसे आपको हाथ ही से फेंटना है, हाथ से इसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। तो अभी भी थोड़ा सा थिक लग रहा है तो थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। तो लमसम 1 कप पानी हमारा चला गया है 2 कटोरी छोटा वाला बेसन में। अब इसे हम बढ़िया तरीके से फेंटेंगे और इसको बिल्कुल लम्स फ्री कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं कि एक बार इधर से हाथ, एक बार इधर से हाथ, एक ही डायरेक्शन में आपको हाथ घुमाना है, और इसे घड़ी देखकर 1 मिनट तक हमें फेंटना है। आप चाहें तो इससे भी फेंट सकते हैं, जो फेंटने वाला आता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसे हाथ ही से फेंटना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है, बिल्कुल लम्स फ्री कर दिया है, कितना स्मूथ बना दिया है फेंट फेंट के। और आपको दिखा दे रहे हैं कि जो इसकी थिकनेस है इस तरीके से है, बहुत ज्यादा पतला बैटर आपको नहीं तैयार करना है। अब हम इस बैटर को बिना इनो और बिना बेकिंग पाउडर या सोडे के इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम टाइम देंगे। तो टाइम देने का मतलब है हम इसको 1 मिनट तक अच्छे से कवर करके रख देंगे, और 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हाथों को वॉश कर लिया, अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम 1 कटोरी लेंगे इस तरीके से, और इसमें हम डालेंगे पानी, तो लमसम 1/2 कप पानी डालेंगे। और अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे, वो है हमारी इमली, जो हमने 10 से 15 इमली के बीज निकाल दिए हैं, और इसको हम इस तरह से तोड़ तोड़ कर डाल देंगे। इससे क्या होगा, इमली हमारी अच्छे से फूल जाएगी। और यहाँ पे हमें इसे छोड़ देना है 5 से 6 मिनट। तो 5 से 6 मिनट छोड़ने के बाद ये अच्छे से फूल जाएगी, और इसका सारा रस निकालने के बाद हम इसे छान लेंगे और इसे इस्तेमाल करेंगे। इसको डालने से बहुत ही बढ़िया चटकारेदार अपना नाश्ता बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसन था वो देखिए फूल चुका है अच्छे से। अब चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम करेंगे, तब तक ये फूलने देते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक कढ़ाई रखी, इसमें हमने बहुत ज्यादा तेल नहीं रखा है, थोड़ा सा कम ही तेल रखना है, और इसे हमें हाई फ्लेम पर गर्म करना है। जो कढ़ाई लीजिए थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, चाहे जो हो। अब इसके बाद जब हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम अपने बैटर को एक बार इस तरीके से फिर से फेंट लेंगे, और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें छोटी छोटी सी या बड़ी बड़ी जैसा आप चाहे बना सकते हैं। तो चाहे तो चम्मच से ही बना सकते हैं, हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी ये बढ़िया तरीके से फूली फूली सी बनेगी अगर आप मेरी टिप को फॉलो करके बनाएंगे। तेल बहुत ज़्यादा मत लेना, और डालने के बाद तुरंत टच नहीं करना है, इसे पकने देना है, और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे टच करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम आराम से टर्न कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है एक साइड से, और कितनी फूली फूली सी बनी है, फ्लफी। तो इस तरह से हमको इसकी साइडों को चेंज कर देना है। अब इसे हम दूसरे साइड से भी 2 मिनट घड़ी देख के पकाएंगे, और इसे बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मिनट धीमी धीमी आंच पर पकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे।
तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो चुका है, कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसे बहुत ज्यादा काला नहीं करेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब इसे हम अपनी प्लेट में इस तरह से रख लेंगे। अब दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म करना है और सेम पहले वाले की तरह हम इसे बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जाके हमें इसको करीब से डालना है, ऊपर से नहीं डालना है बहुत। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर, फिर आप लोग बोलेंगे कि आपने वीडियो काफ़ी लंबा बनाया है। तो चलिए बनाने के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, कितने खूबसूरत से बन गए हैं। और ये देखिए हमारी इमली जो हमने रखी थी बिल्कुल अच्छे से हो गई। अब इसे हम छान लेंगे और छानने के बाद जो हमारा ये बचेगा इसको हम कहीं भी गमले वगैरह में डाल देंगे, उससे इमली का पेड़ निकल आएगा और इसकी पत्तियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां भी काफ़ी खट्टी होती है। अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे और आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, जितनी मात्रा में हम इस्तेमाल करें उतनी मात्रा में इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड हमने लिया है ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया जो हमने डंठल के साथ लिया है, और आपको भी डंठल के साथ लेना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मिक्सी का जार ले लेंगे, इसके अंदर हम ढेर सारा हरा धनिया ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसे बिना हरा धनिया के भी बना सकते हैं, अगर होगा तो जरूर डालना। यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन चिली जो हमारी तीखी वाली है, तो हमने 4 से 5 ले ली है। अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप 10 से 12 ले लेना, क्योंकि ये नाश्ता थोड़ा सा चटपटा और चटकाएदार अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने तोड़ लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना के पत्ते, और पुदीना के पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा 1.5 इंच का अदरक जो हमने अच्छे से वॉश करके ऊपर की स्किन को निकाल लिया, ये डाल देंगे। और अब हम इमली के पानी को छान के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमने इमली के पानी को छान लिया है अच्छे से, ये हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक नमक। 1/2 टीस्पून तक हम इसमें डालेंगे शुगर यानी चीनी यानी शक्कर, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके अंदर हमें कच्चा पानी नहीं डालना है, इमली के पानी से ही ये पेस्ट बन जाएगा। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, तो चलिए इसको कवर करके अच्छे से पेस्ट बना कर लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसको बना लिया है, पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे एक बड़े साइज के बर्तन में हम ट्रांसफर कर देंगे और इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी 3 से 4 ग्लास। तो ये देखिए हमने ठंडा पानी इसी के अंदर लेकर डाला है, और ये देखिए पानी का जो कलर है वो कितना बेहतरीन आया है, कितना नेचुरल कलर है ये। अब इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, पानी का जो कलर था वो देखिए कितने अच्छे से चेंज हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब लास्ट में हम अपनी ये तैयार इसके अंदर डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको हम इस तरह से चम्मच से कर देंगे। तो चलिए ये रेडी हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग सा चटपटा सा हमारा चटपटा पानी वाला पानी पूड़ी। तो हम लोगों ने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन इस तरह से पानी पूड़ी वाली फुल्की बहुत ही कम खाई होगी। देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, और 5 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक। तो फ्रेंड लीजिए हमारी अमेजिंग सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, देख लीजिए जो इसका टेक्सचर है कितना बेहतरीन तरीके से बना है। और ये आप इंजॉय कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो देख लीजिए कितना मुँह में मेल्ट होने वाली बनी है, कितनी सॉफ्ट है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए देख रहे हैं आप लोग कितनी बढ़िया तरीके से बनी है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए खाइए। बाय एंड टेक केयर, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक इस रेसिपी को एंजॉय करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाय।